तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल रेचिन यूके में। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, जो कि एप्लीकेशन का एक क्रूशियल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो सीरीज चल रही है इंडिया टू यूके गाइड वाली, इस पर काफ़ी लोगों के अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो तुम लोग भी फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब कर लेना याद से चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी यूके स्टडीज से रिलेटेड, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो कि बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और स्टार्टिंग से एक प्रोसेस जिनको पता नहीं होता वो भी पता लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में जैसे तुमने देखा होगा मैंने अपनी LOR थी वो भी तुम्हें दिखाई थी, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि तुम कॉपी मत करना। हाँ, तुम लोग पैराफ्रेज कर सकते हो, सेंटेंसेज एक आइडिया ले सकते हो, पर बिल्कुल कॉपी करके मत रखना, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी है। तो ये जो SOP देखोगे ये एक्चुअल में मेरी कोएंट्री वाली SOP नहीं है, ये मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन वाली SOP है, पर वहाँ पे भी मेरी एक्सेप्ट हो गया था और वहाँ पे भी मेरा ऑफर लेटर आ चुका था। तो ये जो SOP देखने वाले हो ये वहाँ वाली है। तो जैसे कि अब तुम्हें SOP स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो पहले ही मैंने जब स्टार्ट किया वो एक कोट से किया है, एज इंजीनियर्स वी आर गोइंग टू बी इन अ पोजीशन टू चेंज द वर्ल्ड नॉट जस्ट स्टडी इट। तो एक कोट डाल के एक बढ़िया सा इंपैक्ट आ गया रीडर के ऊपर जो भी पढ़ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें मैंने थोड़ा अपना बेसिक इंट्रो दिया है, तो तुम जैसे स्टार्टिंग देखोगे तो माई एंटायर लाइफ हैज़ बीन गवर्नमेंट बाई दिस प्रिंसिपल, तो ऊपर से रिलेशन कर रहा हूँ मैं, तो पूरा SOP मतलब बेसिक है क्या, तुम्हें SOP में रिलेशन ही दिखाना है हर चीज़ का। तो फिर उसमें मैंने अपनी सबसे पहले इंट्रो दिया है कि आई रिसीव्ड माय बैचलर्स जो जहाँ जहाँ से करी है मैकेट्रॉनिक्स LPU, ठीक है, और डिसीजंस जो इंजीनियरिंग का था वो मेरा लव फॉर मशीन्स एंड स्पेशली कार्स एंड बाइक्स दिखा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मैं ऑटोमोटिव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे मेरे को कार्स और बाइक से थोड़ा रिलेशन दिखाना था। फिर ये जो तुम येलो वाले में पार्ट देख रहे होगे उसमें मैंने अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को दिखाया है कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है एक मास्टर्स डिग्री लेना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो वर्क आई हैव टू वर्क एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर फॉर अ कंपनी, तो वो मैंने दोनों उनको जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ से तुम्हारी स्टोरी लाइन बिल्ड होगी, क्योंकि SOP में क्या होता है तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से स्टोरी लाइन बिल्ड करके हर चीज़ रिलेट करके दिखाना होता है कि तुम मास्टर्स करने क्यों आ रहे हो, तुम्हारे रिलेशन पास्ट से क्या रहा है, कैसे रहा है, ठीक है। तो वहाँ से वो स्टार्ट है कि इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल आई नेवर एग्जिबिटेड द स्मॉलेस्ट साइन ऑफ बिकमिंग कन्फाइंड टू अकेडमिक करिकुलम, इंस्टीड आई वर्कड हार्ड टू ग्रो एज अ पर्सन, आई टुक पार्ट इन एवरी स्टेज इवेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंटर स्कूल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन दैट केम माई वे। तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि बच्चा इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था, इंगेजिंग था, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता था, तो ये चीज़ स्टार्टिंग से ही दिखाई है। तो एक तुम्हारा प्रोफाइल स्टार्टिंग से बचपन से जो नींव होती है ना वो बिल्ड होके उनको दिख रही है। तो जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें तुम्हें दिख रहा होगा मैंने अपने बैचलर्स का जस्टिफिकेशन दे रखा है, ठीक है, और उसमें देखो मैं बता रहा हूँ अपने सब्जेक्ट जो मैंने स्टडी कर रखे, जैसे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, कैड लेबोरेटरीज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। पर ये जो मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन करे हैं ना वो मेरी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में भी है, तो ये सच्ची सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़े हैं, और ये जो सब्जेक्ट हैं वो मैं मास्टर्स में भी पढ़ूंगा, इसलिए मैंने चुन चुन के वही सब्जेक्ट मेंशन करे जो मेरे मास्टर्स के उससे रिलेट हो रहे हैं। वैसे सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे थे पर मैंने यहाँ पे 7-8 ही मेंशन करे, क्योंकि वो मैं मास्टर्स में भी पढ़ने वाला हूँ, तो ऐसे करके मेंशन करना सारे सब्जेक्ट जो तुम्हारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में भी हो, झूठ मत बोलना। उसके बाद के जो दो पैराग्राफ्स है उसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा है, तो एक रिलेशन देख रहे हो ना, स्टोरी लाइन बनता जा रहा है। तो जब एप्लीकेशन आती है तो वो लोग भी यही देखते हैं कि बच्चे ने करा क्या है, इससे पहले बैचलर्स करी या फिर 12th से आ रहे हो तो तुमने स्कूल में भी क्या क्या करा है, SOP में लिखोगे तो पर्पस क्या है तुम्हारा पढ़ने का, उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो सब मैंने मेंशन करा है कि पहले मैंने माइनर प्रोजेक्ट बताए अपने, ब्लूटूथ एंड आयर कंट्रोल रोबोट, बायोनिक हैंड, कल ये सब मैंने चीज़ें प्रोजेक्ट करी तो उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने जो अपने मेजर प्रोजेक्ट करे हैं वो मैं बताता हूँ। आई वर्क बेसिकली ऑन 4 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो 2 कोर्स वर्क थे, 2 रिसर्च पेपर थे, तो उनके बारे में मैंने बताया और उनके बारे में पूरा टाइटल था वो सब लिखा हुआ है, तो वो लोग जब पढ़ेंगे हाँ उनको लगेगा यार इसने अपनी बैचलर्स में मेजर प्रोजेक्ट मतलब डेजर्टेशन कर रखी है, इसको आइडिया है, मास्टर्स के लिए कैपेबल है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत देखेंगे और उसके बाद तुम्हारी एप्लीकेशन आगे फो होगी। तो SOP इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें अपना हर चीज़ का रिलेशन दिखाना है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो तुमने बता दिया कि तुम्हारी बैचलर्स में तुमने ये करा, अब तुम्हें बताने कि तुम ये कोर्स क्यों ले रहे हो, तुम उसका भी तो रिलेशन दिखाओगे ना। चलो मैंने बैचलर्स मैकेट्रॉनिक्स में करी पर यहाँ पे मैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रखा है ये SOP में, तो उसका भी एक रिलेशन दिखाना था, और यहाँ पे मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कोएंट्री में, तो एक रिलेशन तो दिखाओगे ना कि तुमने शिफ्ट क्यों लिया, एक शिफ्ट दिखाना होता है, तो वो इस ग्राफ में अगले वाले कि तुमने शिफ्ट कैसे किया। तो अब
अब मैं तुम्हें ये पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा कि यार हाँ सच में बच्चा पैशनेट है चीज के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट है, मास्टर्स के लिए। तो इस पैराग्राफ में मैंने उसको ऐसे ही ड्राफ्ट करा है। एज अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ LPSIA इंडिया कॉलेजिएट क्लब एंड एक्टिव मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, आई वर्क ऑन टू ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स, जो एक ही एक फॉर्मुला भारत था और दूसरा इंटरनेशनल गो कार्ट था। तो उन दोनों इवेंट्स के बारे में मैंने पहले बताया, फिर उसके बाद मेरा चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ डिजाइनिंग एंड ड्राइंग कार्स केम ट्रू टू व्हेन आई जॉइन दीज क्लब। तो देख रहे हो पहले पैराग्राफ में, पहले दूसरे पैराग्राफ में जो मैंने बताया था चाइल्डहुड वाला, वो यहाँ पे रिलेशन बैठ रहा है। उसके बाद जो मैं सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ ना मेजर यहाँ पे, तो उन सब्जेक्ट के जो कोरिलेशन था वो मैंने फिर से ड्राफ्ट कर दिया है कि द मैजिक बिगेन व्हेन कंप्यूटर एडेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिजाइन एनालिसिस एंड वर्कशॉप एंड इंजन एंड ट्रांसमिशन केम इन टू प्ले। तो वहाँ से मेरे को रियलाइज हुआ कि इन ऑर्डर टू बी मोर प्रोडक्टिव एन इंजीनियर ऑफ द मॉडर्न एरा शुड बी वेल वर्स्ड इन सब्जेक्ट लाइक, वहाँ पे फिर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, एडवांस फ्लूइड, स्मार्ट इंडस्ट्री, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल डायनेमिक्स, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड डायनेमिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट थे ये UEL में मैं पढ़ने वाला था, तो मैंने वहाँ से मॉड्यूल से देख के वहाँ पे मेंशन करा, तो पूरा एक कोरिलेशन बन रहा है हर चीज़ का। तो इस पैराग्राफ को फिर मैंने एंड कर दिया पूरा रिलेशन दिखा के। तो बेसिकली यही होता है, पहले पैराग्राफ में तुमने अपना इंट्रो करा, फिर थोड़ा तुम्हारा चाइल्डहुड से दिखाया, फिर तुमने अपने बैचलर्स के बारे में बताया, फिर तुमने वहाँ पे शिफ्ट दिखाया कि तुम शिफ्ट क्यों ले रहे हो। अगर जैसे तुम सपोजिंगली तुम किसी और फील्ड में जा रहे हो, तुमने बैचलर्स टेक्नोलॉजी में करी है और तुम्हें हेल्थ केयर में आना है, तो तुम एक शिफ्ट दिखाओगे कि यार तुम शिफ्ट क्यों कर रहे हो अपनी फील्ड। अगर तुम्हारा वो शिफ्ट वैलिड नहीं लगेगा ना, तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, तो शिफ्ट दिखाना जरूरी होता है। मैं तो टेक्निकल से टेक्निकल बैकग्राउंड में ही आया, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, पर अगर तुम जैसे BTech करके हेल्थ केयर में जा रहे हो, तो तुम्हें एक प्रॉपर एक वैलिड रीज़न दिखाना होगा, वैलिड चीज़ें दिखानी होगी जो तुम्हारे शिफ्ट वैलिड लगे उन्हें। तुमने 3 साल जॉब करी, उसके बाद तुम्हें लगा मास्टर्स करनी चाहिए, तो तुम्हें क्यों लगा, एक वैलिड रीज़न दोगे, शिफ्ट दिखाओगे कि तुमने जॉब के बाद मास्टर्स क्यों करनी चाहिए, तो एप्लीकेशन तुम्हारी प्रोसेस रहती है। फिर उसके बाद ये वाला पैराग्राफ एंड होके फिर लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिया, ठीक है, और उसको एंड कर देंगे। फिर मैंने वहाँ पे लास्ट में यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन विद इट डिस्टिंक्टिव MSc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम विल बी द फाइनेस्ट फिट फॉर माई एस्पिरेशन एंड बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर माई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। आई एम अवेयर दैट ग्रेजुएट स्टडी रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। देख रहा हूँ मैं खुद ही अपने वर्ड को काउंटर कर रहा हूँ, मैंने पहले प्रूफ कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग, वही मैं यहाँ पे खुद से लिख लास्ट में एंड कर देना है प्यार से बिल्कुल कि आई एम सर्टेन दैट आई विल मीट द प्रोग्राम हाई क्राइटेरिया गिवन माई बैकग्राउंड ये वो, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम होपिंग दैट माई एडमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड और इट वुड बी एन ऑनर टू एनरोल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द MSc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एंड कर दिया, बिल्कुल सही कर रहा है, सबको ढंग से बता दे क्योंकि हमारे टाइम पे कोई था ही नहीं ऐसे कोई बताने वाला। हाँ तो बट यार सबको याद रखना कि ये जो SOP होता है ये बेसिकली एक कोहरेंस में हो, अच्छे वर्ड यूज क्यों, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, ये मिस्टेक्स मत करना, डोंट डू दीज मिस्टेक्स, कि ये ग्रामेटिकल एरर्स, प्रॉपर कोहरेंस होने चाहिए, वर्ब्स अच्छे यूज करो, अच्छे तरीके से एक फ्लो बनाओ अपने पैराग्राफ्स के बीच में, एक स्टोरी लाइन बनाओ कि तुम क्यों, तुमने क्या किया है, तुम्हें ये मास्टर डिग्री क्यों करनी है और यही कॉलेज क्यों लेना है। हाँ। वो एक्सप्लेन करो अच्छे से, जस्ट एक्सप्लेन देम वेरी वेल दैट व्हाई डू यू वांट दिस कॉलेज, व्हाई डू यू वांट दिस कोर्स और आप इस कोर्स को करने का क्या कर सकते हो। तो बस यही सब चीजें हैं, इसका कॉपी मत करना, और हमने भी आइडियाज कैसे लिए हैं, तुम लोग, हमने भी आइडियाज लेके करा है, तुम लोग ले सकते हो आइडियाज, पैराफ्रेज करो, पर अगर तुम उठा के छाप दोगे मेरे तो सबमिट है तो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, वही। और यही सब है इस वीडियो में, बाकी ऐसी प्यार देते रहो, ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी और कोई डाउट्स हैं तो इसको मैसेज करो, मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो, और SOP अगर लिखोगे, अगर प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग SOP लिख रहे हो, वैसे तो मैं कहूंगा खुद से लिखो अपनी SOP, खुद से ही लिखो, किसी से लिखवाओ मत, ठीक है। अगर SOP एक्सपर्ट से लिखवा रहे हो तो वो अलग बात है, कोई अगर ऐसी एजेंट से लिखवा रहे हो तो एक बार खुद से लिखो, और अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो मेरे को मैसेज करो या फिर मेरे से बोलो कि SOP में हेल्प चाहिए, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, पाजी हैं, पाजी भी हेल्प करेंगे। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगली वीडियो में मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ लेके आएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है, और ऐसे सपोर्ट करते रहो, कुछ भी डाउट्स हैं कॉन्टैक्ट करो, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, यहाँ भी UK अगर आते हो UK में भी, और कुछ और पूछना हो घर पे तो सपोर्ट करते रहो यार। चंगा सर, मिल लेता हूँ, बाय बाय। ओ आज डेट है 21st of January और आज हम कर रहे हैं पैकिंग मेरे UK जाने की, और सब सामान इधर बिखरा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं, ये इधर सामान पड़ा हुआ है पूरा, इन सब